हालात बदल रहे हैं। अजान पर मसला हुआ, झटका हलाल पे मसला हुआ, हिजाब पे मसला हुआ, कोरोना जैसी वबा के वक्त जब उलमा को मारा जा, मदद करने वालों को रोका जा रहा था, तो रोड पर बैठकर कौम के मसाइल को अगर कोई हल करने वाला था तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब थे। नासिर हुसैन उस्ताद ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। अब कह देना अपने मफादात अलग अलग दो, कौम के मफादात के लिए नासिर हुसैन उस्ताद का हाथ मजबूत करो, वरना फिर गुलबर्गा खयादत से महरूम हो जाएगा। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Kya halat aapke samne hai? Halat kis tarah kalwat le rahe hai? Aap mujhse zyada bakhubi waqif hai. Aaj aapke masail ke liye जो मुंतखब आपने किया, जिसका इंतखाब आपने किया, कोरोना दौर में कहाँ थे? हिजाब का मसला आया, सबसे पहले हिजाब पर अगर कोई बयान दिया तो वो कुमार स्वामी साहब थे। उसके बाद अगर किसी का बयान सामने आता है तो वो जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। और कोरोना जैसी वबा के वक्त जब उलमा को मारा जा रहा था, मदद करने वालों को रोका जा रहा था, तो रोड पर बैठकर कौम के मसाइल को अगर कोई हल करने वाला था तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब थे। जब एनआरसी का मसला आया, हिंदुस्तान भर में एनआरसी का मामला चला, सबसे पहले कौम का दर्द लिए, ये एनआरसी से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि दीगर मजाहिब के अफराद को भी नुकसान पहुंचने वाला है, तो इस एतबार से नासिर हुसैन उस्ताद ने इस खता को, इस बारीकी को, इस आने वाले फितने को महसूस किया और एक मीटिंग लेकर गुलबर्गा की अवाम ने देखा कि बड़ी रैली की गई। आज गुलबर्गा की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जुलूस एनआरसी के मुतालिक अगर कोई निकालता है तो आपने जिसे दो मर्तबा हराया था वही नासिर हुसैन उस्ताद आपके हक के लिए आगे आया था, आज भी आपके दरमियान है। हालांकि मैंने खुद कहा था कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब दो मर्तबा आप हार चुके हैं, अब जाने दो, कौम को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, कौम को कौम के हाल पर छोड़ दो। अब आप एक बेहतरीन इंजीनियर हो, आप कानूनदान के फर्जंद हो, आप पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता काबिल इंसान हो, अब किसी तिजारत की तरफ निकल जाओ। तो आपने मुझे जवाब दिया वकार शरफी साहब, मैं गुलबर्गा की अवाम को ऐसे दलदल में फंसता नहीं देख सकता, अगर ये मुझे लाख मरतबा भी हराए मैं गुलबर्गा की अवाम के दरमियान में रहूंगा और उनके मसाइल को हल करूंगा। दो मरतबा हारने के बावजूद आपके सामने है ये काबिल इंसान, कानून दा का शहजादा है। कौन नहीं जानता गुलबर्गे का, हर फर्द वाकिफ है सादत हुसैन उस्ताद का शहजादा नासिर हुसैन उस्ताद है। हर मसले में 165 अफराद और उसमें खवातीन गिरफ्तार हुई। कहा था छुड़ाने वाला, कहा था इख्तदार को पाने वाला, कहा था कुव्वत बताने वाला, जिसे आपने हराया था वही
नासिर हुसैन उस्ताद ने 165 मर्द और 20 से ज़ायद ख़वातीन को जेल से रिहा करवाया। आप सोचिएगा, आज वक्त है, हालात बदल रहे हैं, अजान पर मसला हुआ, झटका हलाल पे मसला हुआ, हिजाब पे मसला हुआ, कौन आगे आया था? आपको कैसे ऐसा महसूस होता है कि आप जिस इलाके में बैठे हैं, गुलबर्गा शुमाल में यहाँ का कोई एमएलए है, यहाँ का कोई एमएलए है, आपको ऐसा महसूस हुआ है 5 सालों में? गौर कीजिएगा, सोचिएगा, अगर आज भी आपका खाब गफलत में रहे जनता दल सेकुलर का वो खायद जो नासिर हुसैन उस्ताद ने जनता दल को लेकर चला, हारते हुए भी अपनी बेहतरीन नुमाइंदगी का मुजाहरा किया, इत्तेहाद का मुजाहरा किया, लोगों के मसाइल को आगे बढ़ के हल किया, आज आप फिर उन्हें तनहा छोड़ोगे? आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कौम, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, हल्का बंदी का शिकार हो गई है, गुरोह बंदी का शिकार हो गई है। अगर आज फिर आपने इत्तेहाद को पारा पारा किया, गुलबर्गा की गंगा जमनी तहजीब का ख्याल न किया, गुलबर्गा के इत्तेहाद का ख्याल न किया, हिंदू मुस्लिम का ख्याल न किया, याद रखना, वो फासिस्ट ताकतें तुम्हारी दहलीज तक आएंगी, वो शरपसंद अनासिर तुम्हारी दहलीज तक आएंगे और तुम्हारे मिली समाजी मसाइल को नातबाह बर्बाद कर देंगे। अभी भी वक्त है, ए गुलबर्गा की बाशऊर अवाम, जाग जाओ। अब नासिर हुसैन उस्ताद ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है, अब कह देना अपने मफादात अलग रख दो, कौम के मफादात के लिए नासिर हुसैन उस्ताद का हाथ मजबूत करो, वरना फिर गुलबर्गा खयादत से महरूम हो जाएगा, वही चापलूस लोग, वही झेलने वाले लोग, वही अपना उल्लू सीधा करने वाले आपके दरमियान आते रहेंगे, आपके मसाइल को तबाह व बर्बाद करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आज आपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, हिंदू मुस्लिम तहजीब को आपने सरेआम बताया है, इसे बाकी रखो और आने वाले हालात का डट कर मुकाबला करो, और नासिर हुसैन उस्ताद को ऐवान असम्बली कर्नाटक में भेज कर बताओ इन्हें कंगड़ा आती है। ऐसा नहीं कि मसला आ जाए तो 2-3 दिन के बाद जवाब दिया जाए, ये फिलफोर ऐवान में ठहर कर उन क़ुव्वतों का जवाब आँख में आँख डाल कर दे सकते हैं। ऐसी बाशऊर शख्सियत, बासलाहियत शख्सियत हमारे दरमियान में है, अगर इसके बावजूद अगर गुलबर्गा की अवाम नज़रअंदाज करती है तो फिर खमियाजा भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। ये चंद कलिमात थे आपके सामने रखा, तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। देखो साहब, अब ऐसा है, अगर आप ऐसे रहे तो फिर बीजेपी आती है, फिर बीजेपी आती है, तो ये बीजेपी का डर छोड़ो, आप मुत्तहिद हो जाओ। देखें, बीजेपी नहीं आती, जनता दल सेकुलर का कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद आता है आपकी क़यादत के लिए, आपके मसाइल के लिए। तो लिहाजा मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, आप बाशऊर लोग हैं, फ़िक्र कीजिए, सोचिए, तकारीर जो कुछ आपके सामने आएंगे उस पर गौर व फ़िक्र कीजिए, आने वाले हालात का डट कर मुकाबला कीजिए। खुदा हाफिज़।